अगेन आई फ्लू हो गया है, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं हमें नहीं, कुछ तो बोलो, आई फ्लू में किस तरह बच के रह सकते हैं हम लोग? ये देखो मतलब ले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में। तो यार हम लोग का चेहरा देख के लग रहा होगा बहुत थके थके से हो रखे हैं। एक्चुअली मैं एक जगह पे गई थी ड्रेस लेने, लेकिन यार वहाँ पर मिली नहीं, तो थोड़ा है मतलब हेडक हो गई है क्या होगा, क्योंकि कल मेरा इवेंट है आप लोग को जैसा पता है। और अभी मैं और सिद्धि दी फिर से मार्केट जा रहे हैं, जो हमारी ड्रेस है उसकी फिटिंग वगैरह होनी है थोड़ी सी, तो वही देने जा रहे हैं और देखते हैं कि उसमें कितना टाइम लगता है। और मुझे और कुछ भी लेना है मार्केट से, फिर मिलते हैं आपसे मार्केट में। और आप लोग, और आज ना मेरे माइंड में एक प्रैंक आया है, तो अजितेश के साथ मैं एक प्रैंक करने वाली हूँ, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है, और जब हो सकता है हम मार्केट से हो आएँ फिर वो घर पर आ जाए, तो मैं उसके साथ एक प्रैंक करूँगी और उस प्रैंक में बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग सिर्फ इसी तरह बने रहिए हमारे ब्लॉग में। फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं प्रिंट सेंटर, जो हमारी ड्रेस है उसका थोड़ा सा कपड़ा हमें चाहिए था, तो वो यहीं पर मिलेगा। और अब अंदर चलते हैं शॉप के, देखते हैं क्या क्या हम ले सकते हैं उस ड्रेस में ऐड करने के लिए। हम लोग ना थोड़ा अच्छे से अच्छा करना चाह रहे हैं, कि मतलब एकदम यूनिक सी ड्रेस हो हमारी, यूनिक सा शूट हो हमारा। देखते हैं, हाँ अंदर चल के देखते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा तो फिर कोई दूसरी जगह चलेंगे। और विवान का रोना चालू हो गया है, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। आप चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों हमें जो कपड़ा चाहिए था वो मिल तो गया है, लेकिन कलर नहीं मिला है उसका, और डाई कराने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि कल मतलब आज का ही टाइम है, और आज तो कोई नहीं देगा हमें डाई करके ऑन द स्पॉट। देखते हैं कुछ समझ में आता है तो हमें जो चीज़ चाहिए थी वो मिल तो रही थी, लेकिन उसका कलर सेम नहीं था, और हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया, डाई और डाई वाले भैया आज यहाँ पर बैठे भी नहीं हैं, तो देखते हैं कुछ हो जाए उसमें, तो कुछ करेंगे, दिमाग चलाएंगे हम लोग अपना, कुछ होता है तो सही है, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अब विवान को देखो, ये विवान को क्या चाहिए क्या चाहिए, विवान को टॉयज दिख गए हैं, कह रहा है इधर से चलो इधर से। वो देखो दोस्तों, ये बैलून दिख गए हैं, उसकी जिद करने लग गया कि बस दिला दो। और अभी थोड़ी देर पहले ही टॉय लेके आया है। किधर से बताओ। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं बॉम्बे गारमेंट्स, यहाँ पर कपड़े भी मिलते हैं और स्लीपर भी। मुझे चाहिए थी हील्स, क्योंकि कल जो इवेंट है उसके लिए हील्स पहननी होगी, और मैं ज़्यादा हील्स पहनती नहीं हूँ, तो देखते हैं क्या हमें पसंद आता है और क्या हम लेते हैं अच्छे से अच्छा। आओ सिद्धि दी, चलते हैं अंदर। कुछ बोलना चाहेंगी सिद्धि दी आप? मेरा सब मॉर्निंग में ही मैंने अभी मैं एक शूट निपटाया था। हाँ निपटा कर ना मेरे को सोना था, लेकिन सोने का टाइम तो मिला नहीं,
तो फिर अब थक गई मैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि सब कुछ निपटा के क्लाइंट वाइंट करके फिर आराम से सो जाऊँगा। देखो थकान तो सच में शूट में बहुत हो जाती है, मैं समझ सकती हूँ दीदी की हालत। और दीदी में सच में बहुत हिम्मत है कि वो मतलब चल के आ गई, क्योंकि अगर मैं किसी शूट पे जाती हूँ ना उसके बाद मुझे बस बेड दिखता है कि बस सोना है, मैं कोई काम नहीं करती शूट पे आने के बाद। और दीदी का शूट की फोटोज मैं तो डालूंगी, फोटोज आप लोग देखना इंस्टा वगैरह पे भी मैं शेयर करूंगी। खुद मॉडल बनी है उन्होंने खुद ही मेकअप किया और अपनी ड्रेस भी उन्होंने खुद ही डिजाइन की। हमारी लड़की क्रिएटिव तो है बहुत ज्यादा, बताया अभी ऐसी अच्छी लग अजीब सी लग रही है, टी शर्ट पजामा पहनी बैठी है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या पसंद आने वाला है, कुछ यूनिक सा। ये बच्चों के क्रॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखूंगी वीवो के लिए अगर उसे पसंद आएंगे। पसंद क्या, डायनासोर ही दिखता है उसको, पास हट जाए तो देखते हैं उसको कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। तो कभी भाभी कहती हैं कि उन्हें कम हील चाहिए और कभी कहती हैं कि ज्यादा हील चाहिए। पता है मैं ना कंफर्टेबल नहीं होती कभी भी हील्स में, मैंने कभी नहीं पहनी ना शादी से पहले और ना शादी के बाद, मुझे फ्लैट ही पसंद है बस। आराम से चल लो भैया, कह रहे हैं काम ही है हील का, कह रहे हैं फ्लैट दिखा दूं। भाई हील पहनेंगे तभी तो वॉक करेंगे, फ्लैट में तो मर्दानी चाल लगती है बिल्कुल। लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी दोस्तों, वो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा कि मैं कैसे खुद को संभाल रही हूँ। हील पहन छोटा वाला स्टूल ले लो, ब्लॉग में अच्छा लगेगा। अच्छा भैया ये तो रहने दो, काम करो प्लेटफॉर्म हील ले लो या ये वाली ट्राई करो, ये वाली ये अच्छी नहीं लग रही। अच्छी तो सब है। तो सब ले लो क्या? नहीं पहन के देखो अच्छी लग रही है भाभी, पैर में लगेगी। अच्छी नहीं लग रही, अरे पहनो तो अच्छी लग रही है भाभी, इतनी सुंदर है सब पे जाएगी, साड़ी वाड़ी जो भी आप पहनते हो ना सब पे जाएगी। भी चलेगा, दर्द भी नहीं होगा पैरों में, छोटी है लेकिन छोटी बड़ा मिल जाएगा आपको। बड़ा तो कहाँ है छोटी, आगे तो नहीं बन गया आपका, दोनों पैर नहीं, पैर मत दिखाओ फटे उठे हो रहे हैं मेरे पैर। इन्हें मेरी बात पकड़ ली भैया, आपने अंदर चश्मा क्यों लगा रखा है? हो गया है। अरे भैया बिल्कुल उतारना, मैं भी कहने वाली थी यहाँ तो धूप पसंद आई कोई सी? यही पसंद आ रही है क्योंकि सिद्धि दीदी को अच्छी लग रही है, बाकी मुझे तो हील्स की ज्यादा नॉलेज है नहीं। तो मैंने भी सेम ले ली, दीदी ने भी सेम ले ली, हम दोनों ने भी, तो हम सेम सेम हील्स पहन के जाएंगे। इन भैया ने चश्मा लगा रखा है क्योंकि इन्हें आई फ्लू हो गया है। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं हमें कुछ कुछ तो बोलो, आई फ्लू में किस तरह बच के रह सकते हैं हम लोग? ये देखो मतलब लेने क्या आई है बातें, गूगल लगा के नहीं, थोड़ा सा सतर्क। देखिए कितनी अच्छी बात है, भैया को आई फ्लू हो रखा है तो अगर मतलब दूसरे लोग को ना हो जाए इसलिए उन्होंने चश्मा लगा रखा है, मतलब दूसरे लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं वो, वरना तो इंसान और आंखों में झांक झांक के देखता है कि भाई तुम्हें भी हो जाए आई फ्लू अगर मुझे हो रखा है तो। बाकी हम देख चीज तो पसंद आ गई है, अब थोड़ी बार्गेनिंग कर लेंगे हम। बार्गेनिंग करने के लिए शीनू मिश्रा की बार्गेनिंग भी देख लो आप लोग, खुद ही डिस्काउंट करेंगे। हाँ भाई कितने डिस्काउंट कर रहे हो? 5% अरे ये लग रहा है भाभी का एक और हील पे मन डोल रहा है वो, ये वाली पे क्यों भाभी? कोई मन मन नहीं डोल रहा, एक ही जोड़ी हील लूंगी मैं, क्योंकि यार ये पहनने में आएंगी नहीं मेरे, रखती रहेंगी। तो दीदी मैं आपको दे दूंगी वैसे, लेकिन हाँ। जो जोड़ी आपके बर्थडे पे मैं आपको हील गिफ्ट कर दूंगी। और यार देखो पता नहीं क्या ही होगा मेरा कल, चाल वाल तो मुझे आती नहीं है चलनी, लेकिन मैं चलूंगी। बाकी सब देख के हंसना वरना मत, इंजॉय करना यार, हम जो है सामने है ना, ज्यादा चलना आया और सामने चल देंगे, बाकी अपन पे ओवर ओवर एक्टिंग नहीं होगी यार, और इंट्रो इंट्रो भी बिंदास दे देंगे हम पब्लिक को अपने स्टाइल में छपी हो। चलो ठीक, फाइनली हील्स ले लिए हमने और सिद्धि दी ने दो जोड़ी हील लिए, लेने हम आए थे, लेकिन सिद्धि दी की वैसे ये आदत बहुत अच्छी लगती है हमको, इन्हें जो चीज पसंद आती है ले लेती है, कंजूस नहीं है लड़की। और अब हम जाएंगे कुछ पेट पूजा करने, और इस शॉप के अंदर जितने सारे लोग थे ना मैंने अपना चैनल सबसे सब्सक्राइब करवा दिया और सब अब मेरी वीडियो देखेंगे भाई, इनके
वर्कशॉप का भी बॉम्बे गारमेंट्स मैंने प्रमोशन कर दिया है। बरेली में जितने भी लोग हों वो प्लीज़ यहाँ पर आइए, और बरेली से बाहर जो लोग आएँ बरेली में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकने, अपने जानने वालों के यहाँ, वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छी चप्पल मिल रही है यहाँ पर और रेट भी ठीक है यार, कोई हाई फाई ऐसे रेट नहीं है। और बाकी अब हम जा रहे हैं, कुछ पेट पूजा करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर जाएंगे घर। हैं खाएंगे क्या आप, वो हम दिखाते हैं आपको क्या खाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोमो हट। एक ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने मोमो हट वाला, लेकिन आज मोमो हट के बराबर में ना तड़का है। हम लोग वहाँ जाएंगे क्योंकि उसके स्प्रिंग रोल ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और फिर पानी वानी भी पियेंगे। कुछ प्यास लग रही है बहुत तेज। वैसे मैं अपनी बॉटल ना साथ में लेके चलती हूँ गर्मी में, तो इससे कि मेरी बॉटल पड़ी है डिग्गी में, तो बॉटल तो हम ले जाएंगे तो पानी का खर्चा हमारा बच जाएगा, स्प्रिंग रोल का खर्चा होगा। हैं और बादल देखो कितने अच्छे हो रहे हैं, वाओ नाइस, बारिश हो जाए मज़ा आ जाएगा दोस्तों, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ गोदी, अब देखो वीवो ने जिद करना स्टार्ट कर दिया। मम्मा गोदी गोदी, पता नहीं क्या क्या लेजर उधर लाइट ले आते हैं यार, इनको रोज़ कोई ना कुछ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। चलिए मिलते हैं तड़का के अंदर, दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर किया है, क्या खाएंगे हम। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तड़का में। अच्छा लग रहा है, एसी चल रहा है ठंडा ठंडा सा, और वीवो को तुरंत भूख लग गई थी, और वीवो अपनी लेजर लाइट दिखा रहे हैं। दिखाना वीवो लेजर लाइट, वाह मां आ रही है, मैंने कितने रुपये दही लगा तुमने तो। ये यार बहुत पैसे खर्च करवाता है वो बेचारे, हमारे घनर भैया है ना वो दे देते हैं, वो बेचारे उसको टॉय दिलाते रहते हैं, फिर हमें बाद में बताते हैं मैम इतने का सामान लिया था वीवो ने, हम कहते हैं ओके, खर्चा का पानी कराता रहता है बस बस। और टॉय, और ऐसे टॉय लेता है कि एक मिनट तक चलेगा फिर दूसरे मिनट में टूट के दो टुकड़े हो जाएंगे। और उसको पता है घर के आसपास जो शॉप्स हैं ना टॉयज़ की, वो पता चल रही हैं उसको, खुद ले जाता है उनको भैया को कि इधर से चलो किस साइड चलो किस वे किस वे, ऐसा बताता है। अब हमारे क्या आपने क्या ऑर्डर करा है सिद्धि? मैंने स्प्रिंग रोल और एक प्लेट चिली पटेटो। स्प्रिंग रोल और चिली पटेटो ऑर्डर किए हैं, अभी हमारा ऑर्डर आने वाला है, फिर हम बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो वैसे अच्छा है, स्प्रिंग रोल का तो अच्छा है तड़का का टेस्ट, बाकी चिली पटेटो का मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, तो खा के देखते हैं। आपकी दोस्तों को ना कितना खाती है, हमेशा खाती रहती है यार, यही है दुनिया में, खाओ पियो मस्त रहो और दूसरों को जीने दो और जियो, समझे। फाइनली स्प्रिंग रोल आ गए हैं, और वो कह रहे हैं खा के दे दो, लेकिन वो गर्म है तो खा नहीं पाएंगे, और वहाँ पे फिंगर चिप्स रखे हुए हैं, तो वीवो ने मुझसे तीन चार उठवा लिए कि एक और एक और एक और, वो तो अंकल अच्छे हैं जो मुझे टोक नहीं रहे बेचारे। ये चाहिए स्प्रिंग रोल खाना है, चलो हम ये फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली पेट पूजा हो गई है, बहुत खा लिया और बहुत गप्पे भी मान लिए सिद्धि दीदी के साथ, अपना भी कुछ बता दिया, उनका भी कुछ पूछ लिया, और हम जा रहे हैं घर की ओर। धूप अभी भी नहीं गायब हुई है, ये देखो वीवो कितनी तेजी में चले जा रहे हैं। भैया कह रहे हैं मेरी नहीं मेरी नहीं। भैया को डर लगता है वीडियो बनवाने से बहुत ज्यादा। उल्टी चप्पल पहने दिखा ना, उल्टी चप्पल, ये घर से ही उल्टी चप्पल पहन के आया, और अभी भी उल्टी चप्पल पहना हुआ है। वो आइसक्रीम देख रहा है, नहीं आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी अभी, सामान दे दिया। वो बेचारे तड़का वाले भैया बताने आए, हमारी ईद तो अंदर ही रह गई जो हमने खरीदी थी, आज अभी पोपट हो जाता हमारा। वीवो देख मम्मी जा रही है हील्स लेने, आइसक्रीम से इसके कपड़े खराब करवाऊंगी, आइसक्रीम दिलवा के हील्स दिखाओ, हील्स ले आए। लेकिन बेचारे ईमानदार लोग हैं बहुत ज्यादा, वरना कौन बताता है आज के टाइम में आपका सामान रह गया। उन्होंने बता दिया, भाभी कहती है हर बात पे, आज के टाइम में आजकल कौन क्या करता है, आज के टाइम में आजकल कौन क्या करता है, भाभी का तो समाज से वही उठ गया, विश्वास ही उठ गया। लिटरली मेरा समाज से, पता है मुझे अब जल्दी भरोसा नहीं होता किसी के ऊपर भी यार, बिल्कुल भी, सब कौन मगरमच्छ बन के आ जाए ना, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती किसी के ऊपर भी। चलो फाइनली घर पे आ गए हम,
काले काले भूरे भूरे बन के। बहुत गर्मी है बाहर यार, लेकिन धूप में जाने का मन नहीं करता, लेकिन जब काम होता है तो जाना पड़ता है। अब मैं फिर से सिद्धि दी के घर पे छोड़ने जाऊंगी, उनका क्लाइंट वेट कर रहा है। और आज तो सिद्धि दी ने मेरी आईब्रो बनाई और ये मूछे भी उखेड़ दी मतलब अपर लिप, मेरी वैक्स भी की। और अब मुझ पे प्रैंक करने का टाइम नहीं है, टाइम तो है मतलब रात में होगा वो प्रैंक, तो उसकी वीडियो कल आएगी फ्रेंड्स प्रैंक वाली, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना जो अजितेश के ऊपर प्रैंक करूँगी मैं, है ना। आइडिया अच्छा है ना सिद्धि दी वो प्रैंक वाला, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, और अगर टाइम होता भी ना तो हम कर लेते, लेकिन भैया को पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि वो प्रैंक तभी हो सकता है जब वो मतलब उसका हाँ बाहर हो या इधर उधर हो। तो चलो आप लोग इसी तरह हमें प्यार करते रहिए, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ढेर सारा प्यार दीजिए हमारी सिद्धि दी को और हमें। कहाँ है टूसा, टूसा कहाँ है? ये देखो वीवो चालू हो गए घर पे आते ही। हाय कर दो वीवो। वाइनो मुझे नहीं पता, वाइनो इनका डायनासोर की प्रजाति है, वाइनो पता नहीं क्या करते रहते हैं। वाइनो पहले वीवो हेलो करो, पहले हेलो करो बोलो। वाइनो मुझे नहीं पता, पहले हेलो बोलो। चलो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल। क्या कर दो, अच्छा फ्लाइंग किस दे दो। नहीं वाइनो अभी दूंगी, चलो ठीक है बाय दोस्तों, बाय।